गाइस, मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त उषा राजपूत होम सर से। आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं एक नया रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट जो कि है सेक्टर 91 मोहाली में, और ये है हमारा जुबली गोल्फ विस्टा। तो जुबली का तो जैसे कि आप सब जानते ही होंगे कि काफ़ी साउंड बिल्डर है, इनके काफ़ी प्रोजेक्ट्स जो है डिलीवर्ड है ऑलरेडी, कुछ ऑन गोइंग भी है, उसमें से ही एक है जुबली गोल्फ विस्टा जो कि है सेक्टर 91 में। अगर हम लोग बात करें, हम लोग खड़े हैं अभी बिल्कुल इनकी एंट्री गेट पे। अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे बिल्कुल ड्यूल एंट्री है, यहाँ पे हमारा एंट्री और एग्जिट दोनों जो है अलग अलग बनाए हुए हैं, जिसमें कि आपको एंट्री की बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। और अगर हम लोग बात करेंगे अभी सराउंडिंग एरिया की, यहाँ पे बिल्कुल सामने हमारा जो है प्रपोज गोल्फ कोर्स यहाँ पे आ रहा है बिल्कुल सामने, जो कि एक काफ़ी अच्छा पॉइंट है। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अगर आप करते हो तो उसमें आपको काफ़ी अच्छा, कल को अगर आप यहाँ पर कोई फ्लैट्स वगैरह अगर लेते हो तो व्यू वगैरह जो है बिल्कुल अच्छा यहाँ पे आएगा। तो जैसे कि हम लोग यहाँ पे आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं 3 BHK, इसमें हम आपको 1675 और 1985 दो साइज लेकर आ रहे हैं, जिसमें से एक 3 BHK प्लस 3 वॉशरूम है, एक आपका 3 BHK 3 वॉशरूम प्लस स्टोर के साथ हम आपको लेके आ रहे हैं। इसमें अगर हम लोग बात करेंगे टोटल यहाँ पे टाउनशिप जो है गेटेड टाउनशिप वो आ रही है 6.2 एकड़ में, जो कि एक लग्जरी अपार्टमेंट यहाँ पे हम लेके आ रहे हैं। जैसे कि अभी मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये जो हमारा टाउनशिप है 6.2 एकड़ में है, तो इसके अंदर अगर हम लोग बात करेंगे कि हम लोग आपको क्या प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो इसमें हम लोग आपको जो है आप देख रहे हैं टोटल यहाँ पे 12 टावर है, जिसमें कि आपका अगर हम बात करेंगे तो 6 टावर इनके जो है डिलीवर्ड हो चुके हैं, यहाँ पे ऑलरेडी काफ़ी सारे रेजिडेंट्स वगैरह रह रहे हैं। और अगर हम लोग बात करेंगे इस अंडर कंस्ट्रक्शन वाले प्रोजेक्ट की, मतलब टावर की, तो इसमें हमारे जो 6 टावर हैं जो कि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है और उसका पोजीशन आपको बहुत जल्दी मिलने वाला है। तो अगर हम लोग बात करेंगे प्रोजेक्ट की, तो प्रोजेक्ट आप देख रहे हो यहाँ पे, इसमें आपका 70% जो है एरिया ओपन है और अपना ग्रीन एरिया है, कंस्ट्रक्शन ओनली 30% के जो एरिया में यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही है, फुली आपका जो है यहाँ पे लाइटनिंग वेंटिलेशन वगैरह आपकी जो है यहाँ पे प्रॉपर है। तो एक बार हम लोग यहाँ पे प्रोजेक्ट का ओवरव्यू ले लेते हैं, तो क्लब हाउस वगैरह जो है और काफ़ी एमिनिटीज़ वगैरह जो है यहाँ पे ऑपरेशनल हो चुकी है, ऑल एमिनिटीज़ वगैरह यहाँ पे ऑपरेशनल है। तो एक बार हम लोग देख लेते हैं अंदर चल के कि क्या कुछ यहाँ पे हमारा हम लोग प्रोवाइड करवा रहे हैं आपको। तो अभी आप देख सकते हैं हम खड़े हैं स्विमिंग पूल के बिल्कुल सामने, ये ऑपरेशनल स्विमिंग पूल है, काफ़ी ह्यूज स्विमिंग पूल है ये। तो इसमें अगर आप देख सकते हो किड्स के लिए अलग है, अडल्ट के लिए अलग है, तो यहाँ पे आप आके अपना एंजॉय कर सकते हो। तो अभी हम आ गए हैं क्लब हाउस के एंट्री पे, एंट्री करते ही आप देख सकते हैं बिल्कुल सामने रिसेप्शन एरिया है और बिल्कुल साथ में आपका जो है वेटिंग एरिया है और जिम के सॉरी इसमें आपको जिम भी मिलेगा, अपना रेस्टोरेंट भी प्रोवाइड करवा रहे हैं हम आपको, मिनी थिएटर भी है, लाइब्रेरी है, तो काफ़ी सारी इंडोर एक्टिविटीज़ वगैरह जो है हम आपको जिम में प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो एक बार मेरे साथ चल के हम देखते हैं कि इसमें क्या कुछ हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो गाइज अभी हम आ गए हैं इस प्रोजेक्ट के सैम्पल फ्लैट में जो है 1985 स्क्वायर फिट का, जिसमें कि आपका 3 BHK प्लस स्टोर का कॉन्सेप्ट है ये। अभी हम खड़े हैं एंट्री करते ही बिल्कुल सामने, ये है हमारा लिविंग एरिया, जिसमें कि आप देख रहे हो लिविंग एरिया में ऑलरेडी यहाँ पे 6 सीटर सोफ़ा इन्होंने लगा रखा है, उसके बाद भी काफ़ी सारा स्पेस यहाँ पे अभी बच रहा है क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी यहाँ पे 1-2 चेयर्स वगैरह और भी लगाई हुई है। तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि आप कैसे करके अपना लिविंग एरिया मतलब मेंटेन कर सकते हैं। तो इसके साथ ही बिल्कुल हम देख रहे हैं यहाँ पे ये है डाइनिंग एरिया। तो अभी आप ये देख सकते हैं ये है हमारा डाइनिंग एरिया, डाइनिंग एरिया में ऑलरेडी यहाँ पे इन्होंने 6 चेयर लगाई हुई है, उसके बाद भी काफ़ी ह्यूज स्पेस यहाँ पे बच रहा है, बीच से आप एंट्री मतलब भी कर सकते हैं, उसके लिए भी बीच में स्पेस है आप अपने बेडरूम किचन में जाने के लिए, आप तो आप यहाँ पर बैठ के अपने फैमिली के साथ डिनर इन्जॉय कर सकते हैं। तो चलिए आइए अब हम चलते हैं
इस घर के सबसे मेन एरिया जो है अपना किचन, तो आ जाइए आप मेरे साथ। तो अभी हम आ गए हैं किचन में। किचन ये दे रहे हैं, पूरा मॉड्यूलर किचन ये प्रोवाइड करवा रहे हैं आपको। आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा स्पेशियस किचन यहाँ पे इन्होंने प्रोवाइड करवाया है। कैबिनेट वगैरह भी अगर आप देखते हो तो काफ़ी स्पेशियस है। उसके अलावा ये लोग प्रोवाइड करवा रहे हैं आपको चिमनी प्रोवाइड करवा रहे हैं, अपना हॉब प्रोवाइड करवा रहे हैं, ड्यूल अपना सिंक ये प्रोवाइड करवा रहे हैं आपको। और इसके साथ ही अगर आप देख सकते हो तो किचन से बाहर बालकनी में जाने के लिए भी इसमें स्पेस है, तो आप अपना वो भी अच्छे से यूज़ कर सकते हो। तो आइए हम चलते हैं इस घर के फर्स्ट रूम में, आ जाइए। तो अभी हम आ चुके हैं इस अपार्टमेंट के फर्स्ट रूम में। तो रूम आप देख रहे हो काफ़ी स्पेशियस रूम है। बेड लगने के बाद भी इसमें आपका काफ़ी स्पेस है, चेयर्स वगैरह लगी हुई है, उसके बाद भी काफ़ी इसमें यहाँ पे स्पेस है। वार्डरोब्स वगैरह आप देख रहे हो बिल्कुल सामने, काफ़ी अच्छी इन्होंने प्रोवाइड करवाई हुई है। और उसके अलावा आप देख रहे हो कि LED वगैरह कैसे लगाना है। बिल्कुल सामने आप देख रहे हो ये है हमारी बैल्कनी जो रहेगी अटैच अपना इस रूम को और किचन को अटैच करेगी। तो काफ़ी ह्यूज बैल्कनी है, तो ये भी आप देखिए कितनी अच्छी है। तो इस रूम के साथ ही आप देख रहे हैं अटैच वॉशरूम है। इसमें आपको जो है ब्रांडेड फिटिंग के साथ हम लोग सैनिटरी प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो आ जाइए अब चलते हैं दूसरे रूम की तरफ। तो अभी हम आ चुके हैं इस अपार्टमेंट के सेकंड रूम जो कि है मास्टर रूम। इसमें आप देख सकते हो वुडन फ्लोरिंग ये लोग प्रोवाइड करवा रहे हैं, और उसके साथ ही आप देख रहे हो इंटीरियर काफ़ी ब्यूटीफुली डिज़ाइन किया हुआ है। अगर आप भी कोई आइडिया लेना चाहते हो तो इसको देख के आप आइडिया ले सकते हो। और इसके साथ भी आप देख रहे हो इसमें भी आपका जो है वॉशरूम आपको अटैच मिलेगा। और ये आ गया है इस अपार्टमेंट का थर्ड रूम। थर्ड रूम आप देख सकते हो इसमें भी आपका जो है वॉशरूम आपका अटैच मिलेगा, और उसके साथ उसमें बालकनी भी आपको अटैच मिलेगी। इस अपार्टमेंट की सबसे अच्छी बात आपको ये है कि इसमें तीनों रूम और अपना किचन के साथ बालकनी अटैच है, और ये अपना बोथ साइड ओपन है। आप गोल्फ को भी ये फेस करता है और अपना इधर सन को भी ये फेस करेगा। तो और जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसमें ये लोग स्टोर भी प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो आप ये देख सकते हैं मेरे पीछे ये लोग स्टोर यहाँ पे इन्होंने बना के आपको डिज़ाइन भी बताया हुआ है। आप चाहें तो इसको पूजा रूम में बना सकते हैं या फिर स्टोर भी बना सकते हैं। तो अभी आपने देखा ओवरव्यू प्रोजेक्ट का। तो ये प्रोजेक्ट जो है रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है, SBI से भी अप्रूव्ड है, और अपना गमाडा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है। अप्रिसिएशन यहाँ पर काफ़ी अच्छी है, तो अगर आप इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं तो एक अच्छा ऑप्शन ये आपके लिए हो सकता है। तो आई होप आपको ये हमारी शॉर्ट एंड सिंपल वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेरी अगर आपके मन में है तो आप नीचे दिए गए नंबरों पे हमें कॉन्टैक्ट करें। थैंक यू सो मच।